नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिशन पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं और हमने प्ले लिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको यूपी साथ में आपको हिंदी और जी के आदि सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है इक्यासी की जवाब तो देखिए वेदांत दर्शन में आपके शंकराचार्य हैं रामानुजा हैं और आपके माधव हैं लेकिन अभिनव गुप्त का संबंध इनसे नहीं है ठीक है ओके और अगर बात करें अभिनव गुप्त है कौन तो अभिनव गुप्त का जन्म 950 सौ ईस्वी में कश्मीर हुआ था वे एक दार्शनिक राष्ट्रवादी तथा सौंदर्यवादी शास्त्री थे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को को क्या कहा जाता था बयासी नंबर तो यहां पर देखिए शिवाजी का शासनकाल काल सोलह से सोलह तक चलता है और इनमें से विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था याद रखिएगा ठीक है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सुमंत कहा जाता था ठीक है सुमंत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सी CPI और सी में किस वर्ष हुआ था तिरासी नंबर तो यहाँ पर तिरासी का जवाब हो जाएगा बी नंबर आपकी उन्नीस में ठीक है एक सितंबर उन्नीस को आपका हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उन्नीस सौ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए हैं नैतिक एवं सिद्धांत और नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है ये आपके किस में है तो चौरासी का जवाब आपका ये हो जाएगा विनय पिटक ठीक है किसमें है आपका विनय पिटक है ठीक है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किन्म्न में से किस सुख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की किस सुख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था पचासी का जवाब और पचास का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ठीक है किसने सिखों के दसवें व अंतिम गुरु थे आपके गोविंद सिंह ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे शिक्षा संबंधी सुधार किस शासक ने किया था तो याद रखिएगा ये आपका शासक था अनपढ़ लेकिन शिक्षा पर बहुत फोकस किया था ठीक है डी नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राज द्वारा निम्न से किन्हें कर रहित भूमि जो कृषि भूमि प्रदान की जाती थी तो कर रहित तो कृषि भूमि प्रदान की जाती थी किसे तो सत्तासी का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों को ठीक है ब्राह्मणों को और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रदूषक हैं ये आपके हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा यह है क्या तो यह है आपके दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने ठीक है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने हैं इनको कहा जाता है ठीक है और चालीस दक्षिणी अक्षांश से साठ दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये चलती रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्फा अल्फा है क्या अल्फा अल्फा क्या है तो अल्फा अल्फा या इसे बोलते हैं राजको एक प्रकार की घास है ठीक है यह नंबर हो जाएगा एक प्रकार की घास है ठीक है और यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कही जाती है तीसरे कहते हैं आइसो हाइट ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा आइसो हाइट कहा जाता है ठीक है समान वर्षा वाले क्षेत्र को आइसो हाइट कहा जाता है ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो आपका देवप्रयाग में ठीक है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अलकनंदा व भागीरथी जो नदी है देवप्रयाग में मिलती हैं ठीक है ठीके? और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है सबरीमाला एक मंदिर है यहाँ पर अभी तक महिलाओं के लिए जाने के लिए आ, मतलब महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन अभी हाल ही में अनुमति प्रदान कर दी गई है ठीक है तो आपका तिरानवे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी आपके केरल में ठीक है केरल में और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है कॉफी पोर्ट तो कॉफी पोर्ट कौन कहलाता है आपका तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर सेंटोस ठीक है ये आपके ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ साओपालो के पास एक बंदरगाह है सेंटोस जो कि विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है ठीक है और ब्राजील में देखा जाए तो कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बैला डीला बैलाडीला जो आपका है किसके लिए तो बैला डीला आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर लोह अयस्क ठीक है लॉ अयस्क के लिए है और ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंड कारण पठार के दंतावाड़ा जिला के अंतर्गत आपका आता है ठीक है बैला डीला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य और सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर आपका आंध्र प्रदेश ठीक है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत विश्व का साठ परसेंट अभ्रक उत्पादित करता है ठीक है तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न से कौन सदस्य नहीं होता है कौन सदस्य नहीं होता है यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी राज्यसभा का सभापति ये आपका नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न से किसके द्वारा की जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो यहाँ पर अट्ठानवे का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर राज्यपाल के द्वारा ठीक है किसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज यहाँ पर राज्य मानवाधिकार है इसलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष कर दी गई इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष की गई थी ये आपके कौन सा संबोधन था संविधान संशोधन तो आपका नाइनटी नाइन का जवाब हो जाएगा ए नंबर इकसठवें संविधान संशोधन के तहत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है तो यहाँ पर हंड्रेड का जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद तीन सौ चौबीस अनुच्छेद तीन सौ चौबीस में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है एक एक का जवाब क्या हो जाएगा यहां पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर अनुच्छेद एक सौ इकहत्तर ठीक है अनुच्छेद एक सौ इकहत्तर में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ब्राहतम उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश राज्य का ब्राहतम उद्योग कौन सा है एक सौ दो का जवाब और एक सौ दो का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हथकरघा उद्योग ठीक है हथकरघा उद्योग है बी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच उद्योग के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए और कांच उद्योग के लिए है आपका कौन फिरोजाबाद ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोजाबाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपके लखनऊ में ठीक है लखनऊ नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया था तो याद रखिए उन्नीस से सतहत्तर में किया गया था ठीक है सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्तु दोग में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है सूती वस्तु उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में जो स्थान है वो कौन सा नंबर है तो ये आपका तीसरा स्थान है ठीक है तीसरा स्थान है है नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य का सर्वाधिक मिलों वाला नगर कौन सा है राज्य का सर्वाधिक मिलों वाला नगर जो आपका है वो कौन सा है तो सर्वाधिक आपकी जो मिले हैं आपकी कानपुर में याद रखिए डी नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो आपके कानपुर को ही कहते हैं ठीक है मानचेस्टर कानपुर को ही कहते हैं यहाँ पर साधन भी है सभी जगह जाने को और आपका कारखाना भी आपका लगा था जो कपड़े का सबसे यहाँ पर ऊनी ऊन उद्योग का सबसे पहला कारखाना ही था राज्य में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग कौन सा है राज्य में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग और ये उद्योग है आपका जवाब 109 का हो जाएगा सी नंबर हथकरघा उद्योग ठीक है सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 से 2001 में शुरू हथकरघा उद्योग बुनकरों के विकास हेतु दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना कब समाप्त कर दी गया दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को कब समाप्त किया गया यहाँ पर 110 का जवाब और 110 का जवाब भी आपका बी हो जाएगा एक अप्रैल 2007 ठीक है एक अप्रैल 2007 हजार सात नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गलीचे बनाने के केंद्र निम्न से कहाँ हैं गलीचे और गलीचे उत्तर प्रदेश में कहाँ बनते हैं तो आपकी आगरा में बनता है मैनपुरी में भी और आपके वाराणसी में ठीक तो है तो कहाँ आगरा वनपुरी वाराणसी अर्थात डी आपका सही जवाब हो जाएगा अगला एक बाइट में होते हैं एक बाइट में होते हैं तो एक बाइट में होते हैं आपके आठ बीट ए नंबर आपका हो जाएगा आठ बीट नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टी पी का पूरा नाम एफ टी का पूरा नाम क्या है एफ टी का पूरा नाम एक सौ तेरह का जवाब तो एक सौ तेरह का ऑप्शन आपका देखिए एफ टी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा दूरदर्शी कंप्यूटर नेटवर्क के आवश्यक डेटा या दस्तावेज कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एम पी एस का विस्तार बताइए एस एम पी एस का विस्तार क्या हो जाएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ए नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई ठीक है ए नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई होता है ठीक है और यह विद्युत ऊर्जा को दक्षता के साथ रूपांतरित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा आपकी कौन सी है एक सौ पंद्रह का जवाब तो सबसे धीमी याद रखिए आपका डायल अप आप सर्विस ठीक है कौन सी है डायल अप सर्विस नेटवर्क है इसमें अधिकतम स्पीड आपकी छप्पन केबी पी एस होती है अधिकतम ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था तो यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा अभिनव वृंदा ने ठीक है किसने अभिनव वृंदा ने अगस्त दो हजार आठ में ठीक है अगस्त दो में ब्राजील जो आ, जो बीजिंग में हुआ था ठीक है बीजिंग में ओलंपिक के दौरान आपका हुआ था दस मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में हासिल किया था स्वर्ण पदक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार वर्ष उन्नीस में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कौन थे सर्वप्रथम जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था वो आपको किसको दिया गया था तो जवाब हो जाएगा डी आपके उपयुक्त सभी अर्थात ओ एम नंबियार ओ प्रकाश भारद्वाज और बी बी भागवत इन सबको दिया गया था उन्नीस में ठीक है और ये खेल प्रशिक्षक के रूप में प्रदान किया जाता है ठीक है और खेल मंत्रालय द्वारा आपको उन्नीस में इसकी शुरुआत भी की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन पासेंट किस खेल से संबंधित है एन पासेंट ये जो संबंधित है किस खेल से तो आपका याद रखिए यह आपका संबंधित है आपके शतरंज से है ठीक है शतरंज से संबंधित है कि जब खिलाड़ी अपनी चाल चलने के दौरान परिस्थिति पर गहन विचार करता है तो इस स्थिति को एन परसेंट कहा जाता है ठीक है और यहाँ पर इतने प्रश्न आपके लिए थे काफ़ी अच्छे प्रश्न थे अगर डेली का डेली ऐसे टेस्ट लगाएंगे तो हंड्रेड परसेंट आपको सफलता जरूर मिलेगी ठीक है मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत